हर रोज़ हम जितना भी वेस्ट जनरेट करते हैं उसमें से 60 से 70% वेस्ट हमारा किचन वेस्ट होता है। एक एवरेज फैमिली से हर साल 250 से 300 केजी किचन वेस्ट जनरेट होता है। कभी सोचा है जब यह ऑर्गेनिक वेस्ट डस्टबिन से तो चला जाता है पर क्या होता है इस वेस्ट का? जब यह वेस्ट लैंडफिल पर या डंप यार्ड्स पर फेंका जाता है तो रॉटिंग की वजह से मीथेन, जो एक ग्रीन हाउस गैस है, वह निर्माण होती है जो ज़्यादा पावरफुल है कार्बन डाइऑक्साइड से। अगर मीथेन गैस लीक होती है तो 80 टाइम्स ज़्यादा प्रबल है कार्बन डाइऑक्साइड से। बहुत बार लैंडफिल पर आग खुद ब खुद लग जाती है मीथेन की वजह से। और एक चीज़, रॉटिंग की वजह से जो पानी निकलता है लीचेट, वह ग्राउंड वाटर को भी दूषित करता है और यह पानी नियर बाय वाटर सोर्सेस को भी पोल्यूट करता है। हम ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ भी वन ऑफ द सोर्स है मीथेन का। मीथेन का प्रेजेंस एटमॉस्फेयर में अर्थ के टेम्परेचर को, क्लाइमेट सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है और इतना ही नहीं, इसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी हो रहा है जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को बढ़ावा दे रहा है। हम 6 से 8% ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम फूड वेस्ट को मिनिमाइज कर दे तो। आगे इस वीडियो में मैं कुछ किचन वेस्ट मैनेजमेंट के आइडियाज़ आपसे शेयर कर रही हूँ जिससे एटलीस्ट हम हमारा इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग पर कम कर सकते हैं। सुबह सुबह चाय की पत्ती बहुत बड़ा सोर्स है वेस्ट का, जिसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है जो बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स के लिए, तो हम इसको फेंकने के बजाय यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो चाय की पत्ती है इसको आपको दो बार पानी से धो लेना है क्योंकि इसमें हम चीनी डालते हैं। तो इस तरह से आप इसको दो बार पानी से धो लीजिए और इस तरह से दबा के थोड़ा इसमें से पानी आप पूरा निकाल लीजिए और फिर इसको आप प्लेट में सुखा दीजिए, फैला दीजिए और दो या तीन दिन सूखने के बाद ये आपकी चाय की पत्ती इस तरह से हो जाएगी, जो बहुत अच्छा खाद है प्लांट्स के लिए। तो आप इसको डायरेक्टली भी पौधों में डाल सकते हो या फिर आप इसको कंपोस्ट बिन में भी डाल सकते हो। तो अगर आपके पास डेली तो चाय की पत्ती बहुत बनती है, तो अगर प्लांट्स इनफ है घर में, आपने डाल दिया है, तो आप आसपास के पौधों को भी इसको डालने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। डेली घर में ऐसे प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, पोटैटो के छिलके, बनाना के छिलके, ऐसे बहुत सारे सब्जियों के छिलके होते हैं जिन्हें हम यूं ही फेंक देते हैं, तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे प्याज के छिलके, इनसे आप ऑयल बना सकते हैं। आप इनको सरसों के तेल या नारियल के तेल में गर्म कर लीजिए और उस तेल को आप छान लीजिए और जो छिलके आपके बचेंगे वो आप कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए, तो उससे आप काफ़ी अच्छा हेल्दी बालों के लिए नरिशमेंट दे सकते हैं उस ऑयल से। प्लस आप ये जो प्याज के छिलके हैं, इनसे आप प्लांट्स के लिए अच्छा न्यूट्रिशनल पानी बना सकते हैं। तो जैसे ये मैंने बनाया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे जैसे आपके प्याज के छिलके आप डेली काटते हों तो उन छिलकों को आपको इस तरह से पानी में भिगा देना है। एक दिन या दो दिन बाद सिंपली आपको ये पानी जो है इस तरह से छान लेना है और ये जो छिलके बचते हैं आप इनको कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए, प्लीज़ मत फेंकिए इनको। एंड ये जो पानी है इसको आप थोड़ा सा डाइल्यूट करके, प्लीज़ डायरेक्टली मत डालिएगा प्लांट्स को, इसको डाइल्यूट करके इसमें और नॉर्मल पानी मिला के वो आप प्लांट्स के घर में नींबू के छिलके, संतरे के छिलके हम फेंक देते हैं, जो भी सिट्रस पिल्स होते हैं, तो आप इनको यूज़ करके बायोएंजाइम बना सकते हैं। तो बायोएंजाइम कैसे बनाना है, इसमें आपको 300 ग्राम छिलके लेने हैं, 100 ग्राम गुड़ लेना है और 1 लीटर पानी लेना है और इन तीनों चीज़ों को आपको इस तरह से प्लास्टिक की बॉटल में फील कर देना है। तो ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन इस बॉटल में गैस बनती है, तो आपको वो जस्ट गैस इस तरह से ढक्कन को ढीला करके गैस को रिलीज़ करना है और फिर आप बस गैस रिलीज़ हो जाएगी, दोबारा आप इसको बंद कर दीजिए। इसीलिए आपको प्लास्टिक की बॉटल ही यूज़ करनी है, ग्लास बॉटल नहीं यूज़ करनी है। और ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने बाद जब इसमें ये छिलका नीचे सेटल डाउन होने लगेगा तो आपको इसको छान लेना है और इस तरह से आप इसमें
ये आपका बाइंजाइम रेडी हो जाएगा। तो जो भी एक्सट्रैक्ट बचेगा वो आप कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। अब इस बाइंजाइम को आप काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका मल्टीपर्पज़ क्लीनर की तरह काम करेगा। इसमें आप रीठा मिला लीजिए तो आपका ये शैम्पू की तरह काम करेगा। इसको आप में बेकिंग सोडा मिला लेंगे तो ये बाथरूम टॉयलेट क्लीनिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एज इट इज़ वॉशिंग मशीन में डाल देंगे तो ये आपके कपड़े धोने के लिए यूज़ हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब से मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है, मेरा फ्लोर क्लीनिंग का, वॉशिंग मशीन क्लीनिंग के लिए, कपड़े क्लीनिंग के लिए सारा खर्चा ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म हो चुका है। किचन वेस्ट से ऑलमोस्ट 80-90% जो वेस्ट हमारा होता है वो वेजिटेबल या फ्रूट पील्स का होता है या कुछ लेफ्ट ओवर फूड भी हो सकता है। सबसे पहले मैं प्रेफर करती हूँ गाय को देना, तो ऑलमोस्ट गाय से पूरा खा लेती है। ट्रस्ट मी गाइस, जब आप देखोगे ये गाय खा लेती है, आपको कभी मन नहीं करेगा आप ये पील्स को फेंको, ठीक है। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, जब भी आप गाय को दो तो प्लीज़ प्लास्टिक की पन्नी में इनको या पॉलीथीन बैग्स में इनको ना दी, डायरेक्टली आप या तो ज़मीन पे डाल दीजिए या आप कोई बर्तन रखिए जिसमें गाय इसे खा सकती है। और सेकेंडली, अगर आपके आसपास गाय को देने का ऑप्शन नहीं है तो आप इसे प्लीज़ कंपोस्ट बनाइए। नेचर हमें ये सारी चीज़ें दे रहा है तो हम इनको नेचर को वापस दे सकते हैं। तो मेरी ये पुरानी डस्टबिन है जिसको मैंने एज अ कंपोस्टर कन्वर्ट किया है, तो इसमें मेरा जो भी मतलब वेस्ट है जो मैं गाय को नहीं दे सकती वो मैं इस कंपोस्ट बिन में डाल देती हूँ। तो इस तरह से जब ये कंपोस्ट रेडी हो जाता है तो मैं घर के प्लांट्स के लिए या हमारे सोसाइटी में जो प्लांट्स लगे हैं मैं उनको डालने के लिए इस कंपोस्ट को, इस तरह से फ्रूट की गुठलियाँ होती है ये भी हम फेंक देते हैं, तो इनसे हम सीड बॉल्स बना सकते हैं। तो जैसे ये जामुन की गुठलियाँ है या आम की गुठलियाँ है या और भी कोई फ्रूट्स की गुठलियाँ हैं, इनको फेंकने के बजाय आप इनको धूप में खा दीजिए कुछ दिन और उसके बाद आप इसका सीड बॉल बना सकते हैं। जैसे मैंने ये बनाया है, आम की गुठली मैंने डाली है इसमें। तो सीड बॉल बनाने के लिए सिंपली आपको मिट्टी लेनी है, थोड़ा सा गोबर लेना है और आप उसका लेप बना के गुठली को उसमें बंद कर दीजिए और इस तरह से आप इसको सुखाने के लिए रख दीजिए 2-3 दिन। जब ये अच्छे से सूख जाएगा तब आप इसको रास्ते के साइड में कहीं भी आप इसको फेंक सकते हैं, जिससे ये वहाँ पे नया प्लांट और आपका उग सकता है। अगर आपको सीड बॉल बनाना नहीं पॉसिबल है तो आप इनको एज इट इज़ सूखने के बाद आप रास्ते के साइड्स में फेंक सकते हो या फिर आप इसको नर्सरी में डोनेट कर सकते हो। एटलास्ट मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपसे जो भी चीज़ें शेयर की है ये बेस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस है और इन चीज़ों को यूज़ करके काफ़ी हद तक हम वेस्ट, जो किचन वेस्ट है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। रास्तों के साइड में हम डंप यार्ड्स देखते हैं या लैंडफिल्स पे हम इतना ज़्यादा कूड़ा देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि हम उस वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं और उसे हम हमारे घर से जाने दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जहाँ पे वेस्ट जनरेट हो रहा है अगर हम उसे वहीं पे मैनेज कर लें तो काफ़ी हद तक हम पर्यावरण को हेल्दी रखने में हेल्प कर सकते हैं। वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं, इसे मैनेज करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो प्लीज़ डू दिस प्रैक्टिसेस, या आप अपनी भी कोई क्रिएटिव प्रैक्टिसेस को आप यूज़ कर सकते हैं। बस कोशिश करिए कि जितना कम से कम वेस्ट आपका किचन वेस्ट स्पेशली आपके घर से बाहर जाए उतना ही आप इस प्लैनेट को हेल्दी रखने में हेल्प कर सकते हैं।